रजत कौर, वेलकम टू HJ न्यूज। हर एक दिन की नई खबरें पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए कि इसकी वजह से आप जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुंच पाए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HJ न्यूज। आउट होने के बाद फफक फफक कर रो पड़े धोनी। फैंस ने कहा, हार सह लेंगे लेकिन ये बर्दाश्त नहीं है। न्यूजीलैंड से हारकर टीम इंडिया वर्ल्ड कप 2019 से बाहर हो गई है। वर्षा बाधित मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी की और भारत के सामने 240 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में भारतीय टीम 221 पर ऑल आउट होते हुए 18 रन से मैच गवा बैठी। इस मैच में MS धोनी, रविंद्र जडेजा ने 7वें विकेट के लिए 116 रनों की शानदार साझेदारी की, लेकिन मैच नहीं जीत सके। न्यूजीलैंड से हारकर टीम इंडिया वर्ल्ड कप 2019 से बाहर हो गई है। और आपको बता दें कि टीम इंडिया की हार के बाद धोनी का एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें वे दुखी नजर आ रहे हैं। रविंद्र जडेजा 77 बनाकर भी आउट होने के कुछ मिनटों के बाद भी MS धोनी भी रन आउट होकर पवेलियन लौट गए। अंपायर की गलती की वजह से धोनी को रन आउट होना पड़ा, ये सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर एक और तस्वीर वायरल हो रही है जिस पर लग रहा है कि धोनी रो रहे हैं, जो भावुक कर देने वाली है। जी हां, तस्वीर धोनी के रोने की ही है। न्यूजीलैंड के खिलाफ अर्धशतकीय पारी खेलने वाले महेंद्र सिंह धोनी रन आउट होकर पवेलियन लौटने के बाद रोते हुए जा रहे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में धोनी रोते हुए नजर आ रहे हैं, उनके सर पर हेलमेट था, सर नीचे करके वे रो रहे थे। फैंस भी ये देखकर भावुक हो गए। एक फैंस ने कहा कि जब भारत का स्कोर 5-3 था तब भी लोगों को भरोसा था कि हम मैच जीत सकते हैं। इसके अलावा एक फैन ने लिखा कि हम हार सह लेंगे लेकिन आपको रोता हुआ नहीं देख पाएंगे। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड विश्व कप 2019 के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। कीवी टीम का लगातार दूसरा फाइनल होगा, जिसके तहत 2015 में भी न्यूजीलैंड खिताबी मुकाबले तक पहुंचा था। तो कैसी लगी ये जानकारी, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग HJ न्यूज़।